बबईवाला में खस्ता हाल सड़कों से ग्रामीण नाराज, बुजुर्गों और स्कूली बच्चे कर रहे दिक्कतों का सामना। बीजेपी नेता ने दिया समस्या के निस्तारण का आश्वासन। हरिद्वार में जेल में बंद कैदियों के हृदय परिवर्तन की पहल, जेल में तैयार किया गया मिनी सिनेमा हॉल, कैदियों को दिखाई जा रही आध्यात्म पर आधारित फिल्म। नैनीताल में मां नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे कर्नल अजय कोठियाल, कर्नल अजय ने मां नैना देवी के मंदिर में की पूजा अर्चना का, उत्तराखंड खुद है उद्योगों का भंडार। पौड़ी में तैयारियों में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग, खराब ईवीएम मशीनों की हो रही जांच, वेयर हाउस में ईवीएम मशीनों की हो रही जांच। ऋषिकेश में एसटीएफ की टीम ने सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार, सट्टेबाजों के पास से बरामद किए एक दर्जन मोबाइल, आरोपियों से की जा रही पूछताछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुबह कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के आवास पहुंचने से अटकलों का बाजार गर्म है। लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि मंत्री यशपाल आर्य खुश नहीं हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी के बिना किसी तय कार्यक्रम के आर्य के आवास पर आना भी इन्हीं चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री के आवास पर नाश्ते की टेबल पर कई तरह की बातें होने की बात सामने आई है, लेकिन मीडिया के सामने दोनों ही नेताओं ने किसी भी तरह की नाराजगी होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। तो यशपाल आर्य के आवास पहुंचे सीएम और जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा था कि यशपाल आर्य काफी समय से नाराज चल रहे हैं, ऐसे में जब बिना किसी तय कार्यक्रम के पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे तो उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि जब यहां पर जानने की कोशिश की गई कि आखिर यशपाल आर्य के आवास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्यों पहुंचे, तो स्थिति साफ हुई कि सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, वो बहुत आपने उनके स्टेटमेंट देखे होंगे, समय समय पर उनके काम करने का तरीका देखा होगा, कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और पूरी हमारी सरकार जो है मिलजुल कर पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। पिछले दिनों आपने एक मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था बाजपुर क्षेत्र का, और 20 गांवों को वहां पर उनका मालिकाना हक मिलने में कुछ दिक्कत हो रही थी, आपने उसको जोर शोर से उठाया और सरकार ने उस पर और हमारे अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई की है। वो 20 गांव जो है पूरी तरह से उन लोगों को मिल गए हैं, मालिकाना हक मिल गया है। तो आप तो लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ऐसी कोई। और ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुभाष कौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, यशपाल आर्य के आवास अचानक सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, इस मुलाकात के क्या सियासी मायने हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह ही जिस तरीके से जो मंत्री हैं यशपाल आर्य उनके आवास पर पहुंचे, तो उसके साथ ही जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें चर्चाएं बहुत तेजी से वायरल होने लगी, क्योंकि ये बातें शुरुआत से ही कही जा रही थी कि कांग्रेस खेमे के विधायक जो भाजपा में शामिल हुए थे 2000 में, वो सरकार से नाराज चल रहे हैं। और ये पहला मामला नहीं है कि नाराजगी का, इससे पहले भी हरक सिंह रावत नाराज चल रहे थे, जो ये कहा जा सकता है कि रायपुर से जो विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं, तमाम कई नेता जो कांग्रेसी मूल के हैं वो नाराज चल रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचे यशपाल आर्य के आवास पर और उनसे मुलाकात की, तो कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले जो सरगर्मियां चल रही हैं, जिस तरीके कांग्रेस के बयानबाजी आ रही है कि भाजपा के कुछ बड़े नेता हमारे संपर्क में है, तो इसी को सब देखते हुए ये महत्वपूर्ण मुलाकात कही जा सकती है। क्योंकि बड़ी चीज ये है कि जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और यशपाल आर्य का जो क्षेत्र है वो लगभग आसपास है, और यही वजह है कि वो सबसे पहले उनको समझाने पहुंचे हैं। लेकिन अभी ये कहा साफ नहीं जा सकता कि आखिरकार क्या वजह है। तमाम दोनों ही नेताओं ने, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए या फिर यशपाल आर्य की बात कर ली जाए, दोनों ही उन्होंने कहा है कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी और इसका कहीं ना कहीं कयास नहीं लगाए जाने चाहिए इस तरीके की बातों में, क्योंकि भाजपा एकजुट और संगठन वाली पार्टी है और इस तरीके की बातें नहीं मीडिया में आनी चाहिए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो नाराजगी थी वो चल रही थी, और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री सीधा उनके आवास पर पहुंचे सुबह बिना किसी कार्यक्रम शेड्यूल के, तो इससे कहीं ना कहीं सरगर्मियां जरूर तेज होती हुई नजर आती है। जी
बिल्कुल सुभाष, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो यशपाल आर्य के आवास पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दरअसल कांग्रेस द्वारा कुछ बयानबाजी की गई थी, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि आने वाले समय में कुछ बड़े चेहरे जो हैं वो वापस कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन जिस तरह से यशपाल आर्य के आवास पर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, उससे ऐसा नजर आ रहा है कि जो भी यहाँ पर रूठे हुए नेता हैं उनको मनाने की पुरजोर कोशिश है, ताकि वो किसी भी दल में ना जाएं, उन्हें रोकने की भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। गणेश गोदियाल ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कर रहे हैं। गोदियाल ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 56 भर्तियां हुई हैं, आखिर उस भ्रष्टाचार के मामले में सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। सहकारिता विभाग में दूसरे राज्यों में परीक्षा क्यों कराई गई, इसको लेकर सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड-19 टेस्टिंग के घोटाले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। तो देहरादून में भ्रष्टाचार के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती सरकार, ऐसा गणेश गोदियाल कहते हुए नजर आए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लगातार बीजेपी के शासनकाल में घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मेरी प्रेस वार्ता में मुख्य बिंदु यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही ये बात जो कही थी कि हम बातें कम करेंगे काम ज्यादा करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके इस कार्यकाल का आधा समय बीत गया है और इस आधा समय बीतने के बाद उनके कृतित्व में ये नजर आता है कि वो काम कम और बातें ज्यादा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की हैं। मैं उनको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तक कर्मकार बोर्ड के मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई की, उनके पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों जो कि विधानसभा में भी हैं उनके संस्थानों में छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ था उन पर क्या कार्रवाई की, कितने सफेद पोस्ट लोग आज जेलों में हैं। मैं वो सूचना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से। वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे भ्रष्टाचार को, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कहीं लड़ते हुए नहीं दिखे। डोईवाला क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में स्थित पंचवटी कॉलोनी की मुख्य सड़क मार्ग बेहद खस्ताहाल हो चुकी है, जिसमें हर समय पानी भरा होने से इसमें आवागमन करने वाले बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें गिरकर वो चोटिल भी हो रहे हैं, जिस कारण क्षेत्रवासियों में काफी गुस्सा भी है और पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक के प्रति नाराजगी भी। तो वहीं क्षेत्र भ्रमण पर निकले बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र नेगी ने क्षेत्रवासियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और अभी तक इस पॉश कॉलोनी में सड़क न बन पाने पर आश्चर्य भी जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस सड़क को बनवाने का काम भी करेंगे। के जो ग्रामीण है, जो निवासी है, वो बड़े आक्रोशित है और उनका आक्रोश भी जायज है, क्योंकि यहाँ की जो इस रोड को देख के मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि बहुत बुरी स्थिति, यहाँ पे पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं, पानी से सड़क भरी है, सड़क कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं समझते बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस विधानसभा क्षेत्र में, ये डोईवाला का बिल्कुल पौष इलाका था, इसमें ये स्थिति है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी। तो मैं चाहूँगा मैं इस समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर इसका शीघ्रातिशीघ्र समाधान करने का प्रयास करें, ताकि यहाँ की रोड पक्की हो जाए और यहाँ के स्थानियों के कीचड़ में जाने से बच सके, उनको मुक्ति मिल सके इस कीचड़ में चलने के लिए। तो हम पूरा प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि रोड शीघ्रातिशीघ्र बने। है कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं जब, तो घुटनों तक पानी रहता है यहाँ पे, और त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ एक बार भी देखने नहीं आए, और कई बार ये रोड पास होकर के फिर कैंसिल होगी। अब पता नहीं क्यों कैंसिल हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं तो सारे जूते वगैरह उतार करके तब गोद में ले करके तब उन्हें स्कूल ले करके जा रहे हैं, नहीं तो अगर बच्चे स्कूल जा ही नहीं सकते हैं यहाँ से, अगर पैदल जाने लगे स्कूल बच्चे नहीं जा पाएंगे, इतना पानी भरा रहता है यहाँ पे, निकला नहीं जाता। बुजुर्ग आदमी कहीं चले जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं, तभी पानी में एकदम से गिरना पड़ता है या बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वार्ड मेंबर से कहा एक दो बार, जो यहाँ के वार्ड रईस अहमद कौन है उनका फोन नंबर भी लिया, और उन्होंने कोई बोल नहीं। अपराध से नफरत होनी चाहिए, अपराधी से नहीं। अपराधी को सही माहौल देकर सुधारा जा सकता है।
इसी तर्ज पर हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जेल में बंद कैदियों को सुधारने और उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए कई कार्यक्रम होते रहते हैं। इसी कड़ी में कभी योग तो कभी प्रवचन या कभी कृष्ण लीला का मंच आयोजन हरिद्वार जेल में होता है। अब कैदियों को सुधारने की सोच को लेकर हरिद्वार के जिला जेल में बंद कैदी फिल्में भी देख सकेंगे। इसके लिए हर वर्ग के बंदियों को हर रोज सुबह करीब 12 बजे से 3 बजे तक देशभक्त पर आधारित और आध्यात्मिक फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसके लिए हरिद्वार के जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने एक मिनी सिनेमा हॉल में बनाया। इस मिनी सिनेमा का नाम प्रेम मंदिर रखा गया है। इस मिनी सिनेमा को 2 हफ्ते में तैयार किया गया है, जिसमें प्रोजेक्टर के जरिए कैदियों को फिल्में दिखाई जा रही हैं। कारागार में एक मेरे द्वारा एक मिनी सिनेमा हॉल एक स्थापित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, एक तो बंदियों का जो है मनोरंजन करना है, उसके साथ साथ जो है उनको धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और देश प्रेम संबंधी विषयों पर मूवी दिखाते हुए उन पर देश प्रेम की भावना भी जागृत करना इस सिनेमा हॉल का उद्देश्य है। इस सिनेमा हॉल का नाम हमने प्रेम मंदिर सिनेमा हॉल रखा है और ये प्रतिदिन 12 से 3 बजे का शो इस सिनेमा हॉल में दिखाया जाता है। मेरी लगभग 2 हफ्ते का एक पूर्व मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक हमारे पास एक बड़ा सा हॉल एक खाली पड़ा था, क्यों ना इसका एक सदुपयोग किया जाए। और उसमें मैंने प्रोजेक्टर और पर्दा इंगेज किया कहीं से और किसी से दान में लिया और उसके माध्यम से जो है अब प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है उस मूवी जो है हम दिखा रहे हैं। प्रतिदिन जो है बैरक वाइज जो है, क्योंकि हमारे वहाँ लगभग 9 बैरक हैं, तो प्रतिदिन जो है बैरक वाइज एक बैरक वालों को एक दिन जो है सिनेमा जो है दिखाया जाता है। नैनीताल में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने नैनीताल आगमन पर मां नैना देवी मंदिर में मां के दर्शन कर पत्रकारों से कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो कदम रोजगार, बिजली गारंटी जिम्मेदारी ली है, उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड तो खुद उद्योगों का भंडार है। यहाँ चारधाम यात्रा, पर्यटन और नैनीताल जिसका नाम विश्व में विख्यात है, रोजगार के इन स्थानों पर अपार संभावना है, बस उसको तलाशने की जरूरत है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी अभी से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि ये देवभूमि है, यहाँ न्याय के देवता गर्लचू का मंदिर है, जहाँ न्याय मिलता है। आम आदमी पार्टी जगह जगह जाकर लोगों से राय ले रही है। अजय कोठियाल ने उत्तराखंड में खुशहाली के लिए मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। पार्टी एक तरतीबवार कैंपेन चला रही है पूरे उत्तराखंड में, सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जब हम सरकार में आएंगे तो कैसे जो बिंदु हम बोल रहे हैं उस पर ज़मीन पे कैसे अमल करेंगे। और उसके लिए जगह जगह जाकर के पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता ये जो पॉइंट्स हैं लोगों को समझा रहे हैं, लोगों से एडवाइस ले रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको और चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। आज 300 यूनिट बिजली के बाद में जो आम आदमी पार्टी ने पहला कैंपेन चलाया था, आज एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू हो रहा है रोजगारी देने के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी सोच बनाती है और वो युद्ध जो कि इतना आसान नहीं है, और उसी के आशीर्वाद लेने के लिए आज देवी के मंदिर में या प्रांगण में पूरी टीम आ रखी है और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी जो पूरे 70 विधानसभाओं को टच करेगी। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब पौड़ी जिले में राज्य निर्वाचन आयोग की टीम हरकत में आ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैनात टीम के सदस्यों को ईवीएम मशीनों को जांचने का जिम्मा दिया गया, जिसमें खराब ईवीएम मशीनों का पता चुनाव से पहले लगाया जा सके। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तकनीकी टीम वेयर हाउस में रक्षित ईवीएम मशीन की जांच भी कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पौड़ी की तस्वीरें, जहाँ पर तैयारियों में राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से जुटा हुआ है। जो खराब ईवीएम मशीनें हैं उनकी जाँच की जा रही है, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। गढ़वाल में आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारी के दृष्टिगत ईवीएम मशीन्स का एफएलसी का कार्यवाही गतिमान है। फर्स्ट लेवल चेकिंग के दौरान आज पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि 3 का प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके समक्ष ईवीएम मशीन का जो वेयरहाउस था उसे खोला गया। ईवीएम के एफएलसी के लिए फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए ईसीआईएलसी और निर्वाचन आयोग से जो इंजीनियर्स की टीम आ रखी है उनके द्वारा कार्यवाही की जा रहा है। अभी हमारे पास में जो है 1430 BUCU हैं और 1480 VPATs हैं, उसका कार्यवाही अभी गतिमान है और जैसी कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी हम लोग सभी मशीन्स को जो है चेकिंग होने के उपरांत जो है उसका एक डेटाबेस बनाकर ईवीएम वेयरहाउस में उसको स्टोर किया।
आईपीएल मैच शुरू होते ही सट्टा लगाने वाले भी मैदान में उतर गए हैं। एसटीएफ की टीम ने देहरादून और ऋषिकेश में ऑनलाइन सट्टा लगा रहे 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 दर्जन मोबाइल, 2 लैपटॉप, 4 हिसाब के रजिस्टर, इंटरनेट की डिवाइस और 10,24,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ के एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि रजिस्टर में कई लोगों के नाम और उनकी राशि लिखी गई है, जिनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिशें भी की जा चुकी हैं। जल्द ही मामले में बड़ा खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ भी की जा रही है। एक टीम जो है पुलिस उपाधीक्षक पूर्णिमा गर्ग नेतृत्व कर रही थी, जो कि कैंट प्रकाश नगर से एक आशीष आहूजा जो पकड़े गए अपने प्रकाश नगर में, जो ये सट्टा लगवा रहे थे लोगों से, तो इनसे 5,62,000 रुपए और कुछ मोबाइल सिम वगैरह ये बरामद हुए हैं। और इसी क्रम में जो ऋषिकेश में श्री जवाहरलाल पुलिस उपाधीक्षक इनके द्वारा एक टीम का नेतृत्व किया जा रहा था, तो इसमें 4,62,000 रुपए और 2 अभियुक्त जो है पकड़े गए हैं, जिसमें एक तो तनेजा है और एक मखीजा अमित मखीजा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के हिमालयी क्षेत्रों में पिछले 2 सालों में मानव गतिविधियां कम होने से नीलकमल सहित कई तरह के फूल खिल उठे हैं। इन फूलों के खिलने से हिमालयी क्षेत्रों की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। इन दिनों केदारनाथ से 8 किलोमीटर दूर स्थित वासुकी ताल के आसपास का क्षेत्र नीलकमल, सौसरिया, हिरकल, विलीच सहित कई तरह के हिमालय फूलों से गुलजार है। सौसरिया का फूल केदारनाथ के हिमालयी क्षेत्र में पहली बार पाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नील कमल के फूल ये बताए जा रहे हैं जो इन दोनों घाटी में खिले हुए हैं, जिससे घाटी का माहौल और ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। इस वर्ष केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां कम होने के कारण विभिन्न प्रकार के जो फ्लावर्स हैं वो खिले हुए देखे जा सकते हैं, जिसमें एकोनिटम स्पीशीज, सोसोरिया एटकिंसोनी और जेनेटियाना फाइलेक्स, जिसे लोकल लैंग्वेज में नील कमल भी कहा जाता है, वो भी अत्यधिक मात्रा में जो है वासुकी ताल क्षेत्र में देखा जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देश आज याद कर रहा है। देश भर में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर डोईवाला के कई मंडलों के हर बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। आज ही के दिन यानी कि 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बीजेपी महिला मोर्चा के जिला मंत्री पूनम चौधरी ने कहा है कि एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार देशवासियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। जो हम जो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक रहे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का, आज हम यहाँ पर प्रत्येक बूथों पर जाकर के उनकी आज जयंती मना रहे हैं और उनके जो विचार हैं उनको आत्मसात करते हुए जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक सोच रही है कि अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को, जो दलित है, शोषित है, पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको आगे बढ़ाने का। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की सिद्धांतों पर आगे चल करके आज पिछड़े वर्ग में, दलित वर्ग में उनको उनके उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य कर रही हैं। तो मैं ऐसे व्यक्ति को जो प्रखर वक्ता के रूप में जिन्होंने समाज सेवा की है और हर वक्त दलितों के उत्थान के लिए जो कार्य किया, उनके मैं आज जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर बूथ पे हमारे मार्गदर्शन, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर हर बूथ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। हमें उनके पद चिन्हों पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो एक समाज सुधारक, हमेशा हर वर्ग को आगे चलने वाले इंसान थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ में अपनी पूरा समय देके आगे बढ़ाया है। हमें उनकी रीति नीतियों पे आगे चल के हमें भारतीय जनता पार्टी को और संगठन को आगे बढ़ाना है। हम आज उनकी पुण्यतिथि पे अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर डोईवाला में भी संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला के किसानों ने आज गन्ना समिति डोईवाला में बैठक कर 27 सितंबर को होने जा रहे भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई है और शांतिपूर्वक भारत बंद का ऐलान किया।
किसान नेता दलजीत सिंह ने कहा कि शांतिपूर्वक भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है जिसे पूर्ण रूप से सफल बनाया जाएगा। किसान नेता ताजेंद्र सिंह और उम्मेद बोरा ने कहा कि भारत बंद को लेकर व्यापारियों से भी समर्थन मांगा जाएगा क्योंकि व्यापारी भी किसानों से जुड़े हुए हैं और जो लोग किसी राजनीतिक रूप से किसानों का समर्थन नहीं करते उनका किसान बहिष्कार भी करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा और कांग्रेसी नेता मोहित उनियाल ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए सभी से किसानों से भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान भी किया है। ये बात ये इस तरह से चल रही है कि ये आंदोलन चलते को 9 महीने से ऊपर हो गए, सैकड़ों किसान अभी तक ही बलिदान दे चुके हैं और ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि हम सारे हिंदुस्तान में ये जागृति पैदा करना चाहते हैं कि ये जो सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं इसका प्रभाव सिर्फ एक किसानों पर नहीं पड़ता लेकिन हमारे समूचे समाज पर पड़ता है। ये मजदूरों पर पड़ता है, छोटे दुकानदार पर पड़ता है और यहाँ तक कि छोटी छोटी जो कंपनियाँ उन पर भी पड़ता है। सरकार की नीति सब कुछ को बेच करके, एयरपोर्ट, रेलवे सब कुछ बेच करके पैसा जो है वो बैंक में और बैंक से पैसा जो है अडानी अंबानी के लिए और वो पैसा ले करके हमारी ही संपत्तियाँ हमारे पैसे से खरीद रहे हैं। तो इसके विरोध में एक ऐसा बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि जिसमें हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक ये आवाज़ पहुँचे कि हमें इकट्ठे होकर लड़ना है और उस वक्त तक लड़ना है जब तक ये काले कानून सब खत्म नहीं हो जाते और हिंदुस्तान बीजेपी से आज़ाद नहीं हो जाता। जब तक ये प्रशासन रहेगा ये आम आदमी के लिए दिक्कत पैदा करता ही रहेगा। महीने से ऊपर हो चुका है, हमारे देश के किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है 3 काले कानून के खिलाफ, मगर इस केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीच में कोरोना काल भी आया मगर फिर भी किसानों ने आंदोलन जारी रखा और अभी भी हमारा आंदोलन जारी है। उसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में 27 सितंबर को भारत बंद का कार्यक्रम है, उसी को लेकर आज डोईवाला में बैठक रखी गई है संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला द्वारा। और इस बैठक में यही तय किया गया है कि सभी किसान भाई इस बैठक के बाद क्षेत्र में जितने चाहे व्यापारी हैं उनसे हम लोग मिलेंगे, व्यापारिक संगठन से हम लोग मिलेंगे, बार एसोसिएशन से हम मिलेंगे, मजदूर संगठन से हम मिलेंगे, डोईवाला चीनी मिल के जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग जाके बात करेंगे और एक एक दुकान पे हम लोग जाएंगे और सबसे अपील करेंगे, हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये व्यापारियों का आंदोलन है, इस देश के नागरिकों का आंदोलन है। कृपया 27 तारीख को आप लोग अपनी दुकानें और भारत बंद करने में हमारा साथ दीजिए। 27 तारीख का जो बंद का आह्वान किया है उसके बारे में आदरणीय दलजीत सिंह ने आपको बताया है और हम यहाँ से मीटिंग करने के बाद अपनी थोड़ी देर बाद व्यापारियों से मिलेंगे, उनसे भी अपील करेंगे कि आपका सहयोग में अत्यंत आवश्यकता है कि आप हमें सहयोग करो और मीडिया के माध्यम से जहाँ तक डोईवाला के व्यापारी हैं इस बात को अन्यथा न लें, वो क्योंकि व्यापारी नहीं है वो किसान भी हैं। डोईवाला कम से कम 30 से 40% जो व्यापारी हैं किसान हैं। आज तक जो संयुक्त मोर्चा ने और जितनी भी यूनियन हैं उन्होंने जो भी संघर्ष किया है उसमें बहुत बड़ी भागीदारी इन लोगों की नहीं हो पाई जितनी अपेक्षा थी हमें। और हम कहते हैं कि अगर इन लोगों से बहुत बड़ा सहयोग में ना मिल पाया तो जो किसान हैं डोईवाला में बैठे व्यापारी हैं उन्हें चिन्हित करके उनका बहिष्कार करने का हम कार्य करेंगे। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है भगवानपुर के मोहितपुर गाँव की सदफ चौधरी ने जो हाल ही में रुड़की की ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहती है। सदफ ने UPSC परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल की है जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं सदफ चौधरी का कहना है कि उसने अपने घर पर ही पढ़ाई कर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया है। UPSC की परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल करने वाली भगवानपुर के मोहितपुर की सदफ चौधरी को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।